तो आखिर शहजादे आ ही गए। जो किया वो सूद समेत वापस मिलेगा। रुको, सब ठीक है, तुम अपनी जुबान पर लगाम रखो और चुपचाप बैठ जाओ, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। देखा, ये आपके सामने धमकी दे रहा है ऑफिसर। तुमने जो किया है ना, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। अभी के अभी अगर तूने अपनी बकवास बंद नहीं की ना, तो तेरे दांत उखाड़ दूंगा। चलो, समझ गया ना? बहुत हो गया, शांत हो जाओ, चलो अंदर चलो तुम लोग। तुमसे शुरुआत करते हैं, तुम्हारा आईडी दिखाओ। मुराद सारसलमाज। अच्छा, तो तुम ही हो? जी हाँ। अजीब है, हम जनरली फेमस फैमिलीज को वकीलों की फौज के साथ ही देखते हैं। सर जी, उन्हें वकीलों की जरूरत होगी, हमें नहीं है। दरअसल प्रॉब्लम ये है, बाहर खड़े उस आदमी ने मेरे खिलाफ फर्जी न्यूज बनाकर मेरी फैमिली को परेशान किया है, और मैं ये बात साबित कर सकता हूँ। माफ कीजिए, लेकिन किसी की निजी जिंदगी में दखल देना गुनाह है। ठीक है, हम आपकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेंगे, पहले मुझे आपकी एंट्री करनी होगी। सारसल मास के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? कहने के लिए मैं मुराद सर का ड्राइवर हूँ, लेकिन मैं उसका मिलिट्री फ्रेंड हूँ, उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका भाई हूँ, और हमारी दोस्ती मरते दम तक रहेगी। ठीक है, ड्राइवर लिख देता हूँ। हाँ, उतना काफ़ी रहेगा, लेकिन तुम सब कुछ लिखो ना भाई। तुम चाहोगे तो वो तुम्हारे पूरे खानदान की डिटेल्स भी लिख लेंगे। नहीं रह सकते। अगर आपका काम हो गया तो हम जा सकते हैं प्लीज? हाँ हाँ, पहले आप इस बयान पर साइन कर दीजिए, फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। मेरे साथ आओ। कहाँ है? कहाँ है वो? अरे मैडम, दिखा दी उसे। दुनिया के सबसे घटिया इंसान हो तुम। तुम जैसे घटिया आदमी की वजह से ही मुराद सर यहाँ पर है। शर्म नहीं आती है क्या तुम्हें? ये क्या हो रहा है? तुम्हें ना जाके, अब मुराद सर निर्दोष है ऑफिसर। वो तो बस अपनी कंपनी की, अपनी वर्कर्स की इज्जत बचाना चाहते थे ऑफिसर, उन्होंने कुछ नहीं किया। तुझे तो मैं देख लूंगी, तुझे इतना मारूंगी ना मैं कि अक्कल ठिकाने आ जाएगी तेरी। तू जैसे इंसान को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। जब हमारी वकील साहिबा आई गई है, तो अब हम कैसे हार सकते हैं? हाँ, पर एक बात कहूँ तुमसे, शायद हम वो पहले क्लाइंट होंगे जो अपने लॉयर की वजह से अरेस्ट होंगे। लुच्चे लफंगो। देखिए ऑफिसर, हमारे पास डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी है, उन्होंने मेरे बॉयफ्रेंड को मारा है, इन्हें छोड़ना मत। सुना तुमने, उसने मुझे बॉयफ्रेंड कहा? मैं तो खुशी से ही मर जाऊंगा। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मन कर रहा है तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, भरता बना दूं तुम्हारा। हमें तो रिपोर्ट दिखाने की भी जरूरत नहीं है, इन्हें देखकर ही पता चलता है इन्होंने मेरे बॉयफ्रेंड को इतना मारा है कि उसकी शक्ल बंदरों जैसी हो गई है। मैं तो उसे पहचान भी नहीं पा रही हूँ। इपेक, तुम सबके सामने मुझे बदनाम कर रही हो। चुप रहो तुम, मैं बात कर रही हूँ ना इनसे, बीच में मत बोलो। देखिए ऑफिसर, इस जैसा आदमी ना सांप की तरह होता है, कैसे घूर रहा है मुझे, किसी को भी काट सकता है ये ऑफिसर। और आप जानते नहीं है, लेकिन ये मुझे झूठ बोलकर एक सुनसान जगह पर लेके गया था, और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की इसने। कुछ भी मत कहो, सिर्फ किस करने की कोशिश की थी, उसके लिए तुम्हारा थप्पड़ भी खाया था। अगर तुम्हें पसंद हो तो फिर से कोशिश कर सकते हैं। मैं तेरी ज़बान खींच लूँगा। क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? मैं मुराद सारसलमास की असिस्टेंट हूँ सर। और तुम? मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। किसकी गर्लफ्रेंड? वही जिसकी शक्ल बंदरों जैसी हो गई है। मेरा इंसल्ट कर रही हो? ये सब लड़कियां इस केस से कनेक्टेड हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर। हाँ, बिल्कुल। समझ गया। और तुम सारे लड़के, चलो तुम सब हवालात में ही रहोगे, सबको आज की रात जेल में गुजारनी पड़ेगी, तभी अकल आएगी। इपेक, चलो, चलो। इपेक, मैसेज करना मुझे, मैसेज करना। और तुम दोनों बाहर जाओ प्लीज, प्लीज। मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जैसे कयामत की रात आ गई हो। लव, ट्रेजेडी और एक्शन सब एक साथ हो रहा है। क्या करेंगे, घर जाकर चुपचाप सो जाएंगे, और कोई चारा है क्या? तुम ना अपनी इस बेरहम दोस्त को कुछ सलाह दो, समझी? वो हमारी वजह से जेल में सड़ रहे हैं और इसे आराम की पड़ी है, कैसी बेशर्मों वाली बात है। तो क्या करे, गुनाह करके भर्ती हो जाए जेल में? वैसे उतना बुरा आइडिया नहीं है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पहले घर चली जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, और फिर ठंडे दिमाग से सोचो, ये तो बस एक एक्सीडेंट ही था। उफ यार, क्या चल रहा है, हमारी वजह से आज वो लोग जेल में पड़े हुए हैं। बहुत गिल्टी फील हो रहा है मुझे।
वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी हयात से कुछ कम नहीं है। उन्होंने मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत मारा, मैं उन पर केस कर दूंगी। मुझे तो अपनी किस्मत पर केस करना चाहिए। और हयात के परफॉर्मेंस को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो सच में बहुत डेयरिंग लड़की है, किसी के बाप का डर नहीं। हाँ वो तो बस अपनी ड्यूटी कर रही थी। इस समय उसे ड्यूटी करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो एक अच्छी लड़की है। हाँ सच में बहुत बहादुर है दोनों। पुलिस नहीं होती तो शेंक और उसके दोस्तों की खैर नहीं थी। हाँ हाँ हंस लो हंस लो, लेकिन अगर वो यहाँ नहीं आती तो अभी हम यहाँ नहीं होते। हाँ मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, उस लड़के को इससे क्या प्रॉफिट हुआ? जब वो हयात को पसंद करता है तो उसने उसकी फोटो प्रेस में क्यों दी? उसे नहीं, किसी और को प्रॉफिट हुआ, दिदम को प्रॉफिट हुआ। मैं सच कह रहा हूं, वो किसका चमचा है? दिदम का। हाँ वो मेरे पास आई थी और रोकर कह रही थी उसने कुछ नहीं किया, उसकी फैमिली ने भी माफी मांगी है। क्या बात कर रहे हो भाई, वो शातिर लड़की है, तुम्हें आसानी से बेवकूफ बना गई। वो उतनी शर्मिंदा थी उस न्यूज पर जितना कि मैं। क्या आप दिदम को नहीं जानते हो भाई? वो हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है। वो आंसू मगरमच्छ के थे,